సత్యాలను శ్రద్ధతో అంతఃకరణ శుద్ధితో నిర్వహిస్తానని భయం గాని పక్షపాతం గాని రాగద్వేషాలు గాని లేకుండా రాజ్యాంగాన్ని శాసనాలని అనుసరించి ప్రజలందరికీ న్యాయం చేకూరుస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. ये शपथ ली है, उस कार्यक्रम की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं. भारी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं और आप इस तरह की भीड़ अमूमन चुनावों के दौरान देखते हैं, लेकिन ये किसी तरह का चुनाव नहीं हो रहा बल्कि शपथ ग्रहण है. आंध्र प्रदेश में चौथी बार की सरकार का शपथ ग्रहण समारोह जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे हुए हैं. साथ ही आपको ये भी जानकारी दे देते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह भी इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं. केंद्र की राजनीति में चंद्रबाबू नायडू का जो कद है वो आप इसी बात से समझ सकते हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव में किंग मेकर की भूमिका उन्होंने निभाई है. 16 सीटें लेकर आए हैं और ऐसे में गठबंधन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं. आज शपथ ग्रहण समारोह जहां पर मंच पर आप अब से थोड़ी देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी जो देख रहे हैं सुनते हुए अब आप उनको नजर आएंगे, क्योंकि यहां संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी होना है. ये देखिए स्वागत पीएम मोदी के करने के दौरान की तस्वीरें आंध्र प्रदेश से हैं. चंद्रबाबू नायडू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गर्मजोशी से मिलते हुए. तो इस बार 2024 लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन दक्षिण में बीजेपी का देखा गया है. कई सीटें दक्षिण से गठबंधन के जो खाते में आई हैं, जिससे केंद्र के अंदर गठबंधन की यानी कि घटक दलों की जो भूमिका है वो अहम हो जाती है.